चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो वेक्टर। क्या स्टार्ट करते हैं? तो आप लोग जल्दी से कॉपी में लिखेंगे जीरो वेक्टर क्या है। शून्य सदिश हिंदी होता है शून्य सदिश और इंग्लिश वर्ड होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है तो बहुत आसानी से लिखेंगे हम लोग जल्दी से। वह सदिश राशि जिसका परिमाण शून्य हो कॉमा शून्य सदिश कहलाता है। चलिए ध्यान से सीखिएगा। कुछ बच्चे इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो जल्दी से लिख लीजिएगा। द वेक्टर क्वांटिटी जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। इसी का दूसरा भी नाम है नल वेक्टर। नल शब्द होता है सेट थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा, उसका मतलब होता है खाली एम्प्टी, जहाँ पर खाली हो कोई वैल्यू नहीं हो तो उसको कहते हैं नल NULL वेक्टर। मतलब इसका परिमाण शून्य है तो ये हो गया हमारा नल वेक्टर। उदाहरण देखेंगे गौर से। आप लोगों ने अपने अपने लाइफ में सुन चुका होगा और नहीं सुना होगा तो गौर से सुनकर दिमाग में सेट कीजिएगा। वह सदिश राशि जिसका परिमाण शून्य हो, तो कोई भी सदिश राशि का परिमाण डायरेक्ट शून्य नहीं होता है। किसी स्पेशल केस पर अपना ध्यान ले जाइएगा, विशेष स्थिति पर ध्यान ले जाइएगा तो विशेष स्थिति में किसी सदिश का परिमाण शून्य हो सकता है। वह विशेष स्थिति कहाँ कहाँ हो सकता है उसको गौर से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। उदाहरण में आपको मैं देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एकदम ध्यान लगा के सुनना है तब फिर हम रफ फिगर बनाकर समझाएंगे भी। एग्जाम्पल में पहला नंबर ध्यान से सुनिएगा। जब कोई वस्तु नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता हो तो उस वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन शून्य होता है। चलिए एकदम गंभीर से इसको देखिएगा आप लोग। ये कंप्लीट ये टर्म मोशन का है। कहाँ का है? मोशन का है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो टर्म यूज हो रहा है हमारा, क्या क्या यूज हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी और त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण जो शब्द है वो त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कह रहा है कि यहाँ त्वरण का मान शून्य होता है, हमेशा नहीं होगा, कब होगा? यहाँ लिखा हुआ है कि वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। तो लिख लिया आप लोग इसको, तो लिख लिया तो हम इसको फिगर में समझाना चाहते हैं
गौर से इसको सीखिएगा। तो चलिए आइए मैं इसको फिगर में समझाता हूँ। फिगर में आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, त्वरण का मान शून्य कैसे होगा। सपोज करो ये एक पथ है जिस पथ पर कोई वस्तु गति करता है। तो शुरू में मैंने उसको यहाँ पर देखा गति कर रहा था और उस समय प्रारंभिक वेग u था, इसका बिंदु A पर था। किसी आदमी ने इस पर धक्का मार दिया, फोर्स लगा दिया तो ये गति करते हुए यहाँ पहुँचा। यहाँ पर उसका अंतिम वेग मैंने भी देखा, बिंदु का नाम दिया भी। A से B तक आने में उसको कुछ समय लगा होगा, 30 सेकेंड लगा होगा, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैं पूछूंगा यहाँ पर कहता कि वस्तु गति करता है लेकिन वेलोसिटी उसका क्या है, नियत है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब समझोगे आप लोग। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझेंगे सर u का मान और v का मान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का यही अर्थ होता है कि शुरू में जितना वेग था, यदि यहाँ कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यदि ऐसा स्थिति से होगा वस्तु गति करेगा लेकिन वेग नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे त्वरण कितना होगा। तो त्वरण बराबर आप लोगों को याद होगा वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यही होता है। दर निकालने का मतलब समय से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिजिक्स में जब भी कभी समय निकालना हो, किसी भी चीज़ में परिवर्तन में दर निकालना हो, रेट निकालना हो, तो समय से भाग देना है। किसमें देना है, अब क्यों देना है यह भी सुन लीजिए अच्छा से। दर का मतलब होता है 1 सेकंड में जो होता है, 1 सेकंड में जो परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे दर। क्या बोलेंगे, दर। अब देखो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये परिवर्तन, यदि वेग शुरू में यू है बाद में भी है तो कहेंगे परिवर्तन कितना हुआ, तो आपको कहना होगा वी माइनस यू, अब बचे समय क्या है टी। तो त्वरण का सिंबल क्या होता है, ए, और सदिश राशि है तो तीर मारेंगे इस बार। बेग में भी तीर मार दिए, बच्चा में तीर नहीं मारते थे लेकिन अब हमको तीर लगाना है क्योंकि ये सदिश राशि है। क्या है, जहां जहां सदिश राशि आएगा सब पर एरो दिखाएंगे। तो त्वरण ए बराबर इतना मैंने लिखा। तो देखिएगा गौर से कि सर यहाँ बी है यहाँ यू है तो ये परिवर्तन होने में 30 सेकेंड लगता है, तो 30 सेकेंड में परिवर्तन कहेंगे बी माइनस यू। तो सर 1 सेकेंड में परिवर्तन कितना कहोगे, 1 सेकंड में परिवर्तन आपका हो जाएगा वी माइनस यू बटे टी, होगा कि नहीं होगा। तो 1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं परिवर्तन की दर। तो दर निकालने का मतलब होगा समय से क्या करोगे, भाग दोगे। तो अब देखो गौर से यू और वी आपका बराबर है कि नहीं है, तो बराबर राशि घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0/0 क्या होगा। तो त्वरण हमारा सदिश राशि है लेकिन परिमाण क्या निकला, 0 निकला। यही हुआ उदाहरण शून्य सदिश का, इसका उदाहरण हुआ शून्य सदिश का, ये उदाहरण हुआ। सुना बात गौर से, तो कहेंगे 0 वेक्टर का उदाहरण दो, ये उदाहरण मैं पेश कर सकता। तो क्या लाइन बोलना पड़ेगा, जब कोई भी वस्तु गति करता है और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। तो त्वरण सदिश राशि है लेकिन इस स्थिति में त्वरण का परिमाण शून्य है, यह उदाहरण हो गया शून्य सदिश का। तो जल्दी लिख लिया होंगे आप लोग, जल्दी लिख लीजिए। तो दूसरा उदाहरण भी देंगे आपको,
लिख लिया बाबू लोग। चलिए अब यहाँ समझते हैं हम लोग गौर से, यह एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप उसको गौर से देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ सकता है आप लोग से पूछूंगा, मैं जवाब देंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु गति कर रहा था और वह बिंदु ए से गति स्टार्ट किया, यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है कोई व्यक्ति इस दिशा में, फिर वो गति करते हुए आप देखोगे वो कभी न कभी ए बिंदु पर पहुंच जाएगा और यहाँ मोशन करते हुए आएगा और मोशन यहाँ पर आके एंड कर जाएगा। तो जब ए से चलकर घूमते हुए आया फिर ए पर पहुंच गया, तो मैं पूछूंगा कि यदि इस पथ का त्रिज्या आर है तो इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, जल्दी बताओ कितना बोलिएगा। तो आपका दूरी तय किया गया जो है वो हो जाएगा परिधि के बराबर, किसके बराबर। अब फिर मैं पूछूंगा दूसरा बात, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका मान क्या हो जाएगा, जीरो। कौन से सोचिएगा, याद होगा आपको कि विस्थापन हमारा क्या है, सदिश है। विस्थापन शब्द क्या है, सदिश है, लेकिन उसका परिमाण क्या मिल रहा है, जीरो। तो क्या जीरो वेक्टर का उदाहरण होगा, क्या हमेशा विस्थापन जीरो होता है। इस स्थिति में हुआ, किस स्थिति में, जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो, जहां से गति कर कर चले और वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन शून्य हो जाए। विस्थापन सदिश राशि है लेकिन यहाँ पर परिमाण क्या मिला, शून्य मिला। यह हो गया उदाहरण किसका, शून्य सदिश का उदाहरण हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि यदि भाषा में लिख देंगे एक लाइन, यदि गतिशील वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु समान हो, तो उस वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये आपका शून्य सदिश का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह क्या हम बहुत सारे उदाहरण आपको पूरा फिजिक्स में मिल सकता है, फिर आगे आते जाएंगे नए नए चैप्टर में आपको जीरो वेक्टर का एग्जांपल और सारा मिलते चला जाएगा। तो चलिए अभी संतुष्टि के लिए ये काफी है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लीजिए, अब हमारे सामने एक न्यू पॉइंट आएंगे और वो होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का योग। जल्दी लीजिए, लिख लीजिए प्यार बच्चों, गौरव कुमार, रूपम कुमारी, सनी कुमार, गौरव कुमार, सब बच्चे को गुड इवनिंग। आप लोग को गुड इवनिंग बोलते हैं, सामने बैठा हुआ बच्चा लोग हंसता है, देखते हैं ना, ये लोग को लगता है हम लोग को सर नहीं बोलते हैं, ऑनलाइन वाले ढेर प्यार करते हैं। आगे बढ़ूं, अब आएगा हम लोग के सामने एक न्यू टॉपिक, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या आएगा, दो सदिशों का योग। अब आप लोगों ने देखा था कि सदिश राशि हमारा अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है, सुना था आपने कोई, सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है और जब उसको जोड़ते हैं दो सदिश राशि को सिंपल अलजेब्रा के तरह नहीं जोड़ सकते हैं, तब उसको जोड़ने के लिए सदिश नियम होता है और सदिश नियम में दो ठो नियम है,
त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, उसको सीखना है हम लोगों को कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। एकदम साइलेंट शांति से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक आपके सामने आ रहा है। अधूरा मन से बैठेंगे कभी संभव नहीं सीख पाएंगे। इसको सीखने के लिए 100% ताकत लगाना पड़ेगा। दो सदिशों का योग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए एकदम ठंडे दिमाग से सीखेंगे। सर सबसे पहले फटाफट दो लाइन लिख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकेंगे, आइए तेजी से दो लाइन लिखते हैं। हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है। तब ये किसका पालन करता है? यह सदिश योग वेक्टर सम का पालन करता है। तब मैं कहूंगा यदि इसका पालन करता है तो इसका क्या नियम है? तो मैं कहूंगा वेक्टर सम का दो नियम होता है। कौन कौन, चलिए यहाँ पर देखेंगे दो नियम कौन कौन होता है, आइए उसको देखते हैं। नंबर वन, त्रिभुज नियम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ। और दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ। नोट करके हम लोग देखेंगे, एक अलग चीज मिलेगा। नोट में कहेंगे दो से अधिक, मोर देन टू, दो से अधिक वेक्टर्स का योग सम बहुभुज नियम पॉलीगन लॉ द्वारा होता है। अब ये सब लॉ क्या है, बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। चलिए यहाँ क्या क्या याद करना है। त्रिभुज नियम से जब भी जोड़ा जाएगा हमेशा दो सदिश को जोड़ा जाएगा। समांतर चतुर्भुज से भी दो ही सदिश को जोड़ा जाएगा, इससे भी दो सदिश को जोड़ सकते हैं। लेकिन कहता है कि कोई जरूरी नहीं है हमेशा दो सदिश को ही जोड़ना है, दो सदिश से ज़्यादा भी जोड़ना पड़ेगा तब उसके लिए एक तीसरा नियम है, बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ उसको कहते हैं। तो चलिए ये दोनों पढ़ने के बाद हम पॉलीगन लॉ पर जाएंगे। पॉलीगन लॉ का अपना कोई स्पेशल नियम नहीं है, बस ट्रायंगल लॉ के मदद से ही वहाँ पर भी काम होता है। तो पहले हमको सीखना है सबसे पहले
ट्रायंगल लॉ क्या है। यहां तक आप लिख लीजिए जल्दी से, ये बेसिक बात हुआ, मेन लाइन हुआ। अब बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे। मनीष कुमार पूछते हैं बहुभुज नियम क्या है। जब शादी ब्याह के बाद भोज होता है उसी को कहते हैं बहुभुज। माय डियर बच्चों, मैं आपको बोल चुका हूं कि जस्ट ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, तब उसके बाद सीखेंगे बहुभुज। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, याद रखिएगा आपने क्वेश्चन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। देख लिया आप लोगों ने बाबू लोग। अब इसमें से देखेंगे कि कोई भी सदिश राशि को जोड़ना है तो अलजेब्रा की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, दो बच्चे को बुलाऊं, एक बच्चे कहूंगा इधर खींचो, एक बच्चे कहूंगा इधर खींचो। एक ने बल लगाया इधर 50 न्यूटन, एक ने बल लगाया इधर 30 न्यूटन, हमारे ऊपर कितना बल लगेगा? ये गलत आंसर हो गया आपका। 50 + 30 80 करेंगे तो ये अलजेब्रिक सम हुआ। और मैं बोल रहा हूं बार बार कि वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है, इसलिए 80 न्यूटन जो कहेंगे ये आपका आंसर क्या होगा? बोलो तो गलत। ठीक है, यस। अब सही क्या होगा वो किस नियम से पढ़ेंगे? त्रिभुज नियम से। आइए सीखते हैं ये बेचारे मेरे त्रिभुज नियम क्या है। ठीक है, तब फिर समांतर चतुर्भुज और तब लास्ट में बहुभुज नियम। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर बात। तो हम यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे आप ट्रायंगल लॉ। क्या लिखेंगे? नंबर वन में पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। जरा सा एक लाइन सुनेंगे गंभीर होके। त्रिभुज में चार भुजा होता है, कितना होता है? ओ अच्छा, तीन भुजा होता है। अच्छा, कभी कभी भुला जाते हैं, क्या कीजिएगा। कितने सदिश को जोड़ना है? दो सदिश को। और त्रिभुज में भुजा कितना होता है? तीन। तो वह दो सदिश त्रिभुज के दो भुजा को दर्शाता है। एक भुजा जो तीसरा भुजा बच जाएगा वही भुजा इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। मेरी जी, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो काफी मथापच्ची होता है। आपको फंसा फंसा के मैं दिखाता हूँ, आप देखते हैं कौन कौन फंसते हैं। ट्रायंगल लॉ में बात स्पष्ट हो गया, दो सदिश को जोड़ना है, त्रिभुज के दो भुजा को दो सदिश से निरूपित करेंगे और तीसरा भुजा स्वतः उस दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। अब वो त्रिभुज बनाएंगे कैसे, उसी नियम को मैं पहले लिख रहा हूं, तब चित्र बना के बताऊंगा। तैयार हो जाइए लिखने के लिए। एक वेक्टर के हेड पर एकदम माथा कंसंट्रेट रखेंगे, तो ऐसा भी आपस में बातचीत नहीं, दाएं बाएं वीडियो नहीं देखना है, बस वीडियो साथ सीधा सीधा देखिएगा। एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल TAIL टेल को रखा जाता है और एक त्रिभुज बनाया जाता है, ट्रायंगल बनाया जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज का तीसरा भुजा बनाया जाता है। दो सदिश त्रिभुज के दो भुजा को दर्शाता है
तथा तीसरा भुजा दो सदिशों के योग सदिश को दर्शाता है। यह त्रिभुज नियम है। यदि हमारे कुछ बच्चों को इंग्लिश लिखने का मन हो तो लिख लो, द टेल ऑफ ए वेक्टर पुट ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर एंड फॉर्म ए एंड फॉर्म ए ट्रायंगल ट्रायंगल द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द टू वेक्टर्स एंड थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द एडिशन वेक्टर ऑफ एडिशन वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दिस इज ट्रायंगल लॉ। आइए स्टेटमेंट तो आप लिख लेंगे जरूर, लेकिन इसको मेन है फिगर में समझना और दिमाग में सेट करना। इसमें कोई लाइन रटना नहीं है, जो भी लाइन दिख रहा है आप अपने से बोलने सीख जाओ। तो बोलने के क्रम में मैं आपको फिगर समझाऊंगा, आपको बोलने के लिए सीखना है। तो चलिए लिखा हुआ हो जाएगा तो जल्दी हमको बोलिएगा। चलिए बच्चे लोग बोल दिया ऑनलाइन के हो गया सर, मेरा ऑफलाइन का बच्चा भी बहुत तेज है, सबने लिख लिया। चलिए वाह रे बहादुर, टक्कर की बात है, कौन पहले करता देखते हैं। जो जो बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक बार अच्छा लग रहा है ना एक बार लाइक करिए ना, देरी क्या करते हैं। चलो रेडी अकबर, तो जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम लोग फिगर में समझते हैं। अब यहीं पर आपका ओरिजिनल ब्रेन का चेक होगा, जो लाइन सुना है उस लाइन को फिगर में बनाएंगे और आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं किसमें कितना क्षमता है, सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। यहां पर बताया गया दो सदिश को जोड़ना है, तो दो सदिश में बना रहा हूं, एक सदिश में कर दिया कि ये मेरा एक सदिश है वेक्टर ए, अपना इसका कुछ वैल्यू होगा मान लिया 8। तो क्या आप बच्चे हमको बता सकते हो कि इस वेक्टर का ये बिंदु हमारा होगा हेड, जल्दी बोलिए यस, और ये बिंदु हमारा क्या होगा, ये बिंदु क्या होगा, टेल होगा यहाँ पर। चलिए बहुत सुंदर बात। अब हम दूसरा वेक्टर लेते हैं, दूसरा वेक्टर हम लोग लेते हैं बी, बी हमारा एक दूसरा वेक्टर है यहाँ पर, ये है वेक्टर बी, इसका वैल्यू मान लेते हैं 6। तो मैंने आपको सिखाया था बड़ा परिमाण का बड़ा रेखाखंड और छोटा परिमाण का छोटा रेखाखंड। ये 8 वाला का बड़ा लाइन है और बी 6 वाला का छोटा लाइन, तो दो सदिश है, तो बी का भी तो टेल आपके सामने दिख रहा है, तो
हाँ सर, बी का भी अपना टेल होगा और बी का भी अपना हेड होगा, तो दो सदिश है, तो दोनों सदिश का टेल और हेड को हम लोगों ने देख लिया। अब इस दोनों सदिश को एक साथ मिलाकर त्रिभुज बनाना है, तो याद रखिएगा मिलाते समय ध्यान देना है, दोनों को मिलाएंगे तो एक के हेड पर दूसरे का टेल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां तहां नहीं मिलाना है, एक के हेड पर दूसरे के कभी भी टेल पर टेल नहीं मिलाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहां से उठाकर हम यहां ला के रखेंगे तो ये टेल और टेल मिलेगा कि नहीं, ये काम नहीं करना है, इसको उठाकर ला के हेड पर रखना है, तो इसका टेल और इसका हेड दोनों मिल जाएगा, तो मिलेगा त्रिभुज का दो भुजा बन जाएगा, और तीसरा भुजा मिला देंगे त्रिभुज बन जाएगा, राइट। अब एक को उठाकर हमको बगल में लाना है, तो एक को उठाकर हमने ला दिया यहाँ पर, उठाकर लाएंगे तो एक को मैंने ऐसे दर्शाया, क्या मैंने सही किया कि गलत किया, चलिए बताइए, उस एक को उठा के मैंने यहाँ रखा, सही रखा कि गलत रखा, क्यों गलत रखा, समान सदिश होने के लिए समांतर होना चाहिए, भूल गए आप लोग, सटीक जवाब चाहिए हमको, एक सदिश के बराबर दूसरा सदिश बनाना है तो समांतर रेखा होना, तो एक को उठा के मैं ए ला रहा हूं यहाँ पर, क्या ये समांतर है, नहीं सर ये गलत हो गया, इसको रिजेक्ट कीजिए आप, वेरी गुड, चलिए एक एक प्रश्न ऐसे पूछते जाएंगे, तो यह रिजेक्ट हो गया, तुमको ए के बराबर ए बनाना है, यानी और समांतर रेखा लेना चाहिए, जितनी बड़ी इसकी लंबाई है इतनी बड़ी लंबाई माप लेंगे हम, तो स्केल से नहीं मापे, अंदाज से मान लेते ठीक है, एरो उधर देंगे जिधर है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया सर हेड और ये पॉइंट हो गया हमारा टेल, क्लियर, और ये हुआ वेक्टर ए मेरा हो गया। अब बी को उठा के लाएंगे, तो बी को उठा के ला के यहाँ रखना है इस तरह से, बी को उठा के यहाँ लाएंगे ऐसा रखेंगे तो बी का टेल यहीं पर पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बी के समांतर लाइन होना चाहिए, तो मैं एक लाइन खींच दिया, अंदाज से मिला एक समांतर है, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, बी का ये टेल पॉइंट हो गया, देखो ए का हेड और बी का टेल ये मिला, दोनों एक साथ मिल गया, बी का हेड हमारा फ्री है और ए का टेल भी फ्री है, अब उस दोनों को मिला देंगे, किसको मिलाएंगे, ए के टेल को बी के हेड को, तो मिला देंगे तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, हम लोग इसको मिला दिए त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का जो तीसरा लाइन है क्या वो सदिश है या अदिश है, सर अभी सदिश नहीं है आप भूल जाते हैं, रेखाखंड में तीर चिन्ह लगा होना चाहिए तभी सदिश को निरूपित करेगा, अभी खाली रेखाखंड है, तीर चिन्ह तो आपको देना होगा वाना, तो मैं दो ठो तीर चिन्ह दूंगा, कौन सही होगा कौन गलत होगा आपको बताना है, मैं दो को तीर देता हूँ यहाँ पर, जल्दी बोलिएगा कौन सही होगा, मैं एक तीर इधर दे देता हूँ एक नंबर, एक तीर इधर देता हूँ दो नंबर, कौन सा तीर सही होगा, हाँ अब आप लोगों के बीच मार शुरू हो गया, वन टू, एक ही दो, एक ही दो, चलिए भाई आपका आवाज मैं सुन लिया, अब देखें ऑनलाइन में क्या क्या बच्चे जवाब दे रहे हैं, चलो विशाल कुमार ने एक कहा, अंकित शर्मा ने एक दो कहा है, किरण कुमारी ने एक कहा, दीपक कुमार ने एक कहा, आनंद ने एक कहा, सुमित ने एक कहा, चलो एक वाला में ज्यादा वोट मिल रहा है और जिसको ज्यादा वोट आएगा वही जीतेगा, तो सही हमारा वास्तव में एक नंबर होगा, दो नंबर गलत हो, आइए ना बहुत चीज सीखने के लिए, यही तो मैं कहा हूं वेक्टर है, पकड़ लिया तो महान स्टूडेंट बन जाएंगे और स्लिप कर गया तो बस लोटिया गोल, आइए गौर से देखते हैं हम लोग, सर किसको आपने सही कहा क्यों कहा, माय डियर बच्चों, हेलो वन मिनट, एरो देख के ना टेल हेड को तय करते हैं, अब पहले से टेल है हेड है तो एरो निश्चित है कि नहीं है, है देखो यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ क्या है, सही है गलत है, सही है, सही है।
पहले से हेड और टेल लिखा हुआ है, उसी को आपने मिलाया है, उसी को देख के एरो देना होगा, अपनी मर्जी वहां नहीं चलेगी। सुन लिया? अब चले आओ गौर से। सर ये तीसरा भुजा जो हुआ ये दो सदिशों के योग को बताता है, तो ये तीसरा भुजा जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हुआ, और दो सदिशों के योग को परिणामी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सदिशों के योग को क्या कहते हैं? परिणामी सदिश, इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको डिनोट कर देंगे वेक्टर आर से, किसे करेंगे? वेक्टर आर से डिनोट करेंगे, राइट। अब दो तीन बात यहां लिखेंगे, लेकिन यहां पर अभी एक चीज और सीखना है। सर वेक्टर ए पर मान लो कि ए बिंदु, यहां पर टेल बिंदु पर हमारा कोचिंग है, और यहां पर सर ये कोचिंग नहीं घर है, हम लोग का घर है, और यहां पर कोचिंग है, ठीक है। आपको ए, अपने घर से कोचिंग जाना था, आप जब चल रहे थे सीधा चल रहे थे तो आपका दिशा ये था गति करने का, यदि आगे में गड्ढा नहीं होता सीधा चलते रहते कि नहीं, लेकिन देखा कि नहीं इधर रास्ता नहीं है, ब्लॉक है, रास्ता इधर है, तो आप अपने को आपको घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे, तो कुछ कौन से घूमोगे कि नहीं घूमोगे, उस कौन का मान मान लिया क्या मैंने? थीटा। बाद में 60-70 राशि देखेंगे, अभी क्या मान लिया? इसी थीटा को कहेंगे सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। कभी कभी देखते हैं बच्चों से गलती होता है, चित्र बना रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो कि 100 डिग्री, तो पूछते हैं कि रे बाबू दो सदिश के बीच का कोण कितना? 100 डिग्री। कभी नहीं करिएगा, करिएगा तो आंसर गलत होगा। तो दो सदिश के बीच का कोण बताना जब भी होगा आपको, तो देखना है कि जिस दिशा में आप जा रहे थे और जैसे दिशा बदलते हैं तो आप कितने कोण से घूमते हो, जितने कोण से घूमते हो वही दो सदिशों के बीच का कोण कहा गया। तो यहाँ पर ए और बी दो सदिश लिया था, उसके बीच का कोण कितना मानेंगे? थीटा मानेंगे, राइट। चलिए अब देखो इन दोनों सदिशों को जोड़ने से ये तीसरा भुजा प्राप्त हुआ है। तीसरा भुजा को दो सदिशों का परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो तीसरा का दिशा इधर है, पहला का दिशा इधर है, तो यहाँ पर भी कुछ कोण बना कि नहीं बना? यहाँ पर कुछ कोण बना है, इसको हम डिनोट करेंगे किसे? अल्फा से। किसे डिनोट करेंगे? किसे डिनोट करेंगे? किसे करेंगे? अल्फा से करेंगे सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो ठो कोण हो गया, ये दो कोण क्या है गौर से देखिए, दो लाइन में फटाफट लिखते हैं हम लोग। आपका यहाँ पर मैं कहूंगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश है, दो सदिश है जिसका, ध्यान देना गौर से, जिसका योग सदिश, जिसका योग सदिश एडिशन वेक्टर, एडिशन वेक्टर वेक्टर आर है, जिसे परिणामी सदिश, क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश, परिणामी सदिश इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है, कहा जाता है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। अब देखो गौर से इस फिगर में थीटा क्या है, आपसे कोई पूछेगा थीटा क्या है, तो इस फिगर में कहोगे थीटा क्या है, तो आप कहोगे दो सदिश, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण। अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो कुछ बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहिएगा तो बोलिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए, सभी बच्चों को कोशिश करना चाहिए, छोटा छोटा शब्द को इंग्लिश में बोलना चाहिए। चलो ठीक है, बोल लिया आपने, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। एक चीज और बचा है अल्फा, एक चीज और बता है अल्फा यहाँ पर, तो अल्फा के बारे में सोचते हैं।
अल्फा जो है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर के दिशा, दिशा डायरेक्शन को बताता है। अभी तो कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ का जस्ट शुरुआत हुआ। ट्रायंगल का लॉ का मैंने ABCD आपको सिखाया है। अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बाकी है, अगले क्लास में उस पर हम लोग अमल करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।